हेलो बच्चों, वेलकम टू हर्ष अकेडमी यूट्यूब चैनल्स। तो बच्चों, आज हम लोग एनसीईआरटी के साइंस क्लास 7th के फर्स्ट चैप्टर लेकर के आए हैं, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। बच्चों ठीक है, तो आप इस वीडियोस को कंप्लीट देखो बच्चों, जिससे कि इस चैप्टर के इंटायर कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा बच्चों। ठीक है, और आप इनको अच्छे से देखो बच्चों। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं इनका फर्स्ट जो इस चैप्टर में, यानी इस चैप्टर में हम कौन कौन से टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर के जो बच्चों हैं वो क्या है, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। राइट बच्चों, तो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स देर आर डिवाइड इन थ्री कैटेगरीज। राइट, पहला जो है बच्चों ऑटोट्रॉपिक्स न्यूट्रिशंस है, सेकेंड जो है बच्चों हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिएंट्स है, उनके बाद थर्ड जो है बच्चों इंटर डिपेंडेंट्स ऑफ न्यूट्रिशंस है। राइट, तो जो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स है बच्चों वो थ्री कैटेगरीज में डिफाइन किया गया है। राइट, तो पहले हम तीन थ्री कैटेगरीज को देखेंगे, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिएंट्स, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिएंट्स और कह रहे हैं इंटर डिपेंडेंट न्यूट्रिशंस। राइट बच्चों, तो हम इनके डिटेल्स डिस्कस करेंगे। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिएंट्स क्या होता है, अभी हमने बताया भी था आपको वैसे बच्चों कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिएंट्स क्या होता है, दोज प्लांट्स विच हैज़ अ मैक ऑन देयर फूड। राइट, मतलब वो प्लांट्स होते हैं या वो एनिमल्स होते हैं जो अपना फूड क्या करते हैं, सेल्फ प्रिपेयर्ड करते हैं, उनको ऑटोट्रॉपिक बोलते हैं। राइट, और हेटरोट्रॉपिक क्या होता है, जो प्लांट्स अपने फूड्स खुद बनाते नहीं हैं, किसी और पे डिपेंड्स होते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। और इंटरडिपेंडेंस क्या होता है, जो इन दोनों के बीच की बातें होती है, उनको हम लोग इंटरडिपेंडेंस कहते हैं। राइट बच्चों, हम इनके डिटेल्स आगे डिस्कस करेंगे बच्चों। ठीक है, तो हम इसकी ये चैप्टर्स के जो माइंड मैप हमने बनाया बच्चों, किस चैप्टर में हमें कौन कौन से टॉपिक को डिस्कस करना है। राइट, तो देखो बच्चों, ऑटोट्रॉपिक्स में पहला हमें क्या डिस्कस करना है, फोटोसिंथेसाइज बच्चों। राइट, तो फोटोसिंथेसाइज क्या है, इनकी हम डिटेल डिस्कस करेंगे, इनकी क्या कंडीशंस होती है बच्चों। तो कंडीशंस अगर आप देखें फोटोसिंथेसाइज की, जो कंडीशंस होती है बच्चों, राइट, तो इनकी कंडीशंस की अगर हम बातें करें तो देखो कि कंडीशन फॉर नेसेसरी फॉर द फोटोसिंथेसाइज, तो फोटोसिंथेसाइज करने के लिए क्या चाहिए बच्चों, सबसे पहले हमें क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। क्या चाहिए बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड। और ये हमें मिलता कहाँ से बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है बच्चों ये स्टोमेटा से मिलती है। राइट, स्टोमेटा जो होते हैं, जो हमारे लिप्स होते हैं, लिप्स के पत्ते जो होते हैं, उनके जो स्मॉल पोर्स होते हैं बच्चों, उनको हम लोग स्टोमेटा बोलते हैं। राइट, और स्टोमेटा से हमें क्या मिलता है बच्चों, ये कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है। आफ्टर दैट सेकेंड थिंग्स अगर हम बातें करें तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलने के बाद क्या चाहिए बच्चों, वाटर चाहिए। राइट, वाटर का जो फॉर्मूला होता है बच्चों वो H2O होता है, तो ये चीज़ को याद रखना। और ये क्या मिलता है बच्चों, ये हमें मिलती है रूट से। जो प्लांट्स होते हैं बच्चों उनकी जो रूट्स होते हैं, एक होते हैं प्लांट्स के टू पार्ट्स होते हैं, एक होता है शूट पार्ट, एक होता है रूट पार्ट। राइट, जो रूट पार्ट्स होते हैं बच्चों उससे हमें क्या मिलती है, वाटर्स की फॉर्मेशन मिलती है एंड मिनरल्स मिलती है। राइट बच्चों, और सेकेंड थिंग इज दैट, जो सेकेंड जो होती है बच्चों वो सनलाइट चाहिए। क्या होता है बच्चों, सनलाइट। और ये सनलाइट की जो प्रेजेंस होती है ये मिलती है हमें क्लोरोफिल से बच्चों। किससे मिलती है, क्लोरोफिल। राइट, क्लोरोफिल। राइट बच्चों, ये क्लोरोफिल से हमें मिलती है। तो ये इनके तीन कंडीशन है, आगे हम इन पे भी डिस्कस करेंगे बच्चों वन बाय वन करके। तो चलिए आगे स्लाइड में देखते हैं। तो ये ऑटोट्रॉपिक्स के स्लाइड में हम ये पढ़ेंगे बच्चों, ठीक है। उनके बाद है हेटरोट्रॉपिक। राइट, तो हेटरोट्रॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे, पैरासाइटिक्स पढ़ेंगे बच्चों, सेप्रोट्रॉफिक पढ़ेंगे बच्चों, है ना, इंसेक्टिवोरस पढ़ेंगे, और आफ्टर दैट क्या पढ़ेंगे, सिम्बोसिस पढ़ेंगे बच्चों। तो दीज आर द इंटायर द चैप्टर्स कॉन्सेप्ट। राइट बच्चों, तो ये क्या है, कंप्लीट कॉन्सेप्ट है बच्चों। अब इनको हमें क्या करना है, वन बाय वन करके डिस्कस करना है, ठीक है। तो आपको ये मोटो तो समझ में आ गया कि माइंड में हमें इस चैप्टर में करना क्या है और क्या क्या पढ़ना है बच्चों, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले ऑटोट्रॉपिक। राइट बच्चों, कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस क्या होता है ना, तो चलिए इनको डिस्कस करते हैं। जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ऑटो मतलब क्या होता है बच्चों, ऑटो मतलब जो होती है वो सेल्फ होता है बच्चों। क्या होता है, सेल्फ। और ट्रॉफिक मतलब क्या होता है, न्यूरिशमेंट होते हैं। न्यूरिश मतलब होता है न्यूट्रिशन, मतलब सेल्फ न्यूट्रिशन जो प्राप्त करते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन। या तो सेल्फ कौन करते हैं बच्चों, ग्रीन प्लांट्स बोलते हैं। तो इनका अगर डेफिनेशन आपसे पूछा जाता है तो डेफिनेशन में आप ये कह सकते हैं कि ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ। तो ग्रीन प्लांट जो होते हैं बच्चों उनको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉफ बोलते हैं, बिकॉज दे कैन मेक ऑन देयर फूड, दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। राइट, तो इनके जो होती हैं वो खुद अपना भोजन प्रिपेयर करते हैं, इन प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलती हैं।
जो प्लांट्स अपना भोजन सेल्फ प्रिपेयर्ड करता है, राइट, उनको क्या बोलते हैं हम लोग बच्चों, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं, राइट। तो इसमें हमने ये कवर्ड किया था बच्चों, जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं ना बच्चों, ठीक है, चलिए हम डिटेल डिस्कस करते हैं। तो ग्रीन प्लांट्स मेक देयर फूड बाय द यूजिंग, राइट, किससे ग्रीन प्लांट्स अपना फूड कैसे प्रिपेयर करते हैं बच्चे, कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का जो फॉर्मूला बच्चा होता है, सी से कार्बन होता है, ओ से ऑक्सीजन, राइट, तो कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। वाटर का जो फॉर्मूला होता है बच्चे, वो H2O होता है। अगर आपसे कोई पूछ देता है कि वाटर का फॉर्मूला क्या है, तो आप क्या बताएंगे बच्चों, H2O, राइट। तो ये क्या होता है बच्चों, सनलाइट के प्रेजेंस में होती है, जो क्लोरोफिल करते हैं, राइट, क्या होता है, क्लोरोफिल टू फॉर्म, क्या मिलता है हमें इससे, ग्लूकोज मिलता है बच्चों, क्या होता है, ग्लूकोज। अगर बच्चों आपसे कोई पूछता है कि ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, तो 6 कार्बन की मात्रा 6 होते हैं बच्चों, और हाइड्रोजन जो होते हैं 12 होते हैं, और ऑक्सीजन क्या होता है, 6 होता है, ठीक है, और ये होते हैं ऑक्सीजन, ठीक है बच्चों। तो ग्लूकोज में कितने कौन कौन से एलिमेंट है बच्चों, अगर आपसे पूछ देते क्वेश्चन में कि जो ग्लूकोज होता है बच्चों, उसमें कौन कौन से एलिमेंट होती है, तो कार्बन बोलेंगे बच्चों, हाइड्रोजन बोलेंगे, और ऑक्सीजन बोलेंगे, ठीक है बच्चों। जिनके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, ये हमें जब हम कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को सनलाइट के प्रेजेंस में करते हैं, वो ग्लूकोज प्रिपेयर करता है और ऑक्सीजन मिलती है, राइट। जो ये ऑक्सीजन होती है ना बच्चों, ये हमारे एटमोसफेयर में होता है, इसी वजह से हम क्या करते हैं, अपने सांस ले पाते हैं। तो ये देखो, अगर हम प्लांट्स नहीं लगाते बच्चे, तो वो क्या होगा, हमारे जो एटमोसफेयर है, आगे हम डिस्कस करेंगे इनके डिटेल, कि हमारे एटमोसफेयर में ऑक्सीजन अवेलेबल्स नहीं होंगे, और जब ऑक्सीजन नहीं अवेलेबल होंगे तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा, तो हमें सांस लेने में काफ़ी प्रॉब्लम्स आएगा, ओके बच्चों। तो इन दिस प्रोसेस, यानी इस तरीके के प्रोसेस को, यानी कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर्स और सनलाइट प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल टू गिव्स ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन, इन दिस प्रोसेस इज नोन एज फोटोसिंथेसाइज, राइट। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, फोटोसिंथेसाइज, राइट। तो फोटोसिंथेसाइज समझ में आ गया कि क्या होता है, तो अगर आपसे पूछा जाता है तो आप लिख देंगे, अगर आपसे इक्वेशन भी पूछा जाता है तो आप ये इक्वेशंस लिखेंगे बच्चों, क्या लिखेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर प्लस क्या हो गया, सनलाइट के प्रेजेंस में क्लोरोफिल हो जाएगा, ग्लूकोज, और क्या नीचे ऑक्सीजन प्लस एनर्जी भी लिख दीजिए बच्चों, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आपको फोटोसिंथेसाइज के इक्वेशंस निकल के आ गए, आप ये कह सकते हैं। और एक चीज़ ये भी है बच्चों, जो ग्रीन प्लांट्स है, ग्रीन प्लांट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर भी बोलते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर, ठीक है बच्चों। प्रोड्यूसर क्यों बोलते हैं, क्यों, क्योंकि ग्रीन प्लांट्स क्या होते हैं, अपना फूड सेल्फ प्रिपेयर्ड करता है, और जो चीज़ सेल्फ प्रिपेयर्ड करता है उनको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, प्रोड्यूसर बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि ये क्या होता है, प्लांट्स और सनलाइट से लेकर के वाटर से जो है, रूट से, मिनरल लेकर के अपना फूड वो क्या कर रहा है, प्रिपेयर्ड कर रहा है, मतलब देयर फूड प्रिपेयर ऑन दिस मॉडर्न न्यूट्रिशंस। तो इसी को अगर आपको ये भी पूछ सकते हैं, ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड प्रोड्यूसर, तो ग्रीन प्लांट्स को क्या बोलते हैं बच्चों, हम लोग प्रोड्यूसर भी बोलते हैं, ठीक है बच्चों। तो चलिए आगे देखते हैं इनका, ओके बच्चों। तो देखो, रिक्वायरमेंट क्या होता है बच्चों, फोटोसिंथेसाइज के लिए अगर हम रिक्वायरमेंट की बातें करें, रिक्वायरमेंट में क्या होता है, जब फोटोसिंथेसाइज करते हैं, ठीक है, तो उनके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है बच्चों, तो सबसे पहले हमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड्स होती है बच्चों, वाटर होते हैं, क्लोरोफिल होती है, एंड सनलाइट होती है, राइट बच्चों। तो देखो, अगर आपसे कहता है कि फोटोसिंथेसाइज क्या होता है, फोटोसिंथेसाइज होता है क्या, तो फोटोसिंथेसाइज जो होते हैं बच्चों, एक प्रोसेस होती है, ठीक है, जिसमें ग्रीन प्लांट्स क्या होते हैं, प्लांट्स के लिए फूड प्रिपेयर्ड करता है, राइट बच्चों। तो फोटोसिंथेसाइज एक प्रोसेस होती है जिसके अकॉर्डिंग जो होती है वो ग्रीन प्लांट्स क्या बच्चों, ग्रीन, ठीक है, ग्रीन प्लांट जो होता है वो अपना क्या होता है, फूड प्रिपेयर्ड करता है, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट के, ठीक है बच्चों। इसलिए इनको ग्रीन प्लांट्स को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, अभी हमने पढ़ा भी है, इनको हम लोग बोलते हैं प्रोड्यूसर बोलते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर्स, राइट, क्योंकि ये अपना प्रिपेयर क्या होता है, खुद प्रिपेयर करता है, ग्रीन प्लांट जो होती है सनलाइट से कंबाइन करके कार्बन डाइऑक्साइड एंड ग्लूकोज, तो टू प्रोड्यूस हमें क्या मिलती है बच्चों, इससे हमें क्या क्या मिलती है, ग्लूकोज भी मिलती है और ऑक्सीडेशन भी मिलती है, ठीक है, और जिसके अकॉर्डिंग क्या होता है, ये क्लोरोप्लास्ट होते हैं, उनके अकॉर्डिंग ये बनता है बच्चों, ठीक है। तो देखो, इनको अगर रिक्वायरमेंट की बातें करें फोटोसिंथेसाइज के लिए, तो हमें क्या चाहिए बच्चों, पहला कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड मिलता कहाँ से बच्चों, है ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो क्या होता है बच्चों, हमारे एयर से मिलती है, किससे मिलती है बच्चों, एयर से, एयर के प्रेजेंस में ये चीज़ हो पाते हैं। तो एयर जो होती है वो स्मॉल स्पोर्स ऑफ होती है, जिनके अकॉर्डिंग टाइनी होल्स ऑफ होती है, और जो हमारे एयर से क्या होता है बच्चों, ये ऑब्जर्व कर लेते हैं, क्या करते हैं बच्चों,
एयर से ऑब्जर्व कर लेते हैं, ठीक है, ऑब्जर्व बाय द एयर, इन एयर से हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाती है, ठीक है, क्योंकि हमारे एयर में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और क्या होता है, काफ़ी सारे गैसेज होती है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सारे गैसेज अवेलेबल्स होती हैं, तो उनसे क्या करते हैं जो हमारे लिप्स होते हैं वो ऑब्जर्व कर लेते हैं एयर से, ठीक है बच्चों। और वाटर की हम बातें करें कि वाटर इनको कहाँ से मिलती है, राइट, तो वाटर क्या होता है बच्चों, आपको पता होगा कि ऑल टेरेस्ट्रियल्स प्लांट्स एंड सम एक्वाटिक प्लांट्स ऑब्जर्व द वाटर देन कैन बी ट्रीटेड टू द रूट्स। तो जितने टेरेस्ट्रियल, टेरेस्ट्रियल मतलब क्या होता है बच्चों, कि दोज प्लांट्स विच हैज लाइव ऑन अ लैंड इज नोन एज अ टेरेस्ट्रियल्स, एंड दोज प्लांट्स विच लीव लाइव एट अ वाटर इज नोन एज एक्वाटिक। तो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स या एक्वाटिक प्लांट्स क्या होते हैं बच्चों, वो रूट से क्या करते हैं, अपने वाटर्स को क्या करते हैं बच्चों, एब्जॉर्व कर लेते हैं। बट कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं बच्चों जो अपने रूट से एब्जॉर्व नहीं करते हैं, तो वो क्या करते हैं बच्चों, अपने सराउंडिंग से, किससे बच्चों, सराउंडिंग से वो क्या करते हैं, एब्जॉर्व कर लेते हैं, ठीक है बच्चों। और सेकेंड थिंग्स जो है वो है क्लोरोफिल बच्चों। तो क्लोरोफिल्स क्या होता है, क्लोरोफिल्स क्या होता है आपको पता होनी चाहिए। तो ये क्या होता है, जो हमारे लीव्स होते हैं, जो पत्ते होते हैं ना, ग्रीन लीव्स, उसमें ये ऑलरेडी क्या होता है, प्रेजेंस होती है, ओके बच्चों। और सनलाइट, तो सनलाइट आपको पता ही बच्चों, इट्स गेट्स टू फ्रॉम द सन, ये किससे मिलती है बच्चों, सन से मिलती है, ठीक है। और ये क्या मिलते हैं, लीव्स से मिलती है, लीव्स में ऑलरेडी अवेलेबल्स होते हैं। ये क्या होगा बच्चों, रूट से मिलती है, और ये क्या होता है, एयर से प्रेजेंस होती है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया कि इनकी रिक्वायरमेंट क्या होती है, ठीक है बच्चों। अब इसको हमें ये समझना है कि इनका फैक्टर अफेक्टिंग अ फोटोसिंथेसाइज, तो इनसे फैक्टर क्या क्या इफेक्ट होता है, हम उनको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे बच्चों, ठीक है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखो बच्चों, फैक्टर इफेक्शंस फोटोसिंथेसाइज, तो फोटोसिंथेसाइज में क्या फैक्टर होते हैं, तो देयर आर थ्री फैक्टर्स दैट कैन बी लिमिटेड। मतलब जब फोटोसिंथेसाइज होगा बच्चों, तो उसमें तीन फैक्टर होगा। पहला क्या होगा बच्चों, इंटेंसिटीज होगा, दूसरा CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, और तीसरा जो होगा बच्चों वो टेम्परेचर होगा, ठीक है। तो इनको डिस्कस करते हैं कि देखो बच्चों, इंटेंसिटीज क्या होगा, राइट, इंटेंसिटी मतलब क्या होता है, तीव्रता, मतलब इंक्रीजिंग करना, यानी आप ये कह सकते हैं बच्चों कि अगर क्या होगा कि लाइट की इंटेंसिटी अगर इंक्रीज होती है, राइट बच्चों, जब लाइट की इंटेंसिटी इंक्रीज होगा देन विल बूस्ट ऑफ द स्पीड ऑफ फोटोसिंथेसाइज। तो फोटोसिंथेसाइज जो होगा वो काफ़ी स्पीड में होगा, कब बच्चों, जब लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इंटेंसिटी पे समझ में आ गया। दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है बच्चों, यानी CO2 जो होगा बच्चों, ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड यानी इनका जो होते है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, अगर डिक्रीज कर रहा है बच्चों, राइट, तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, तो यह फोटोसिंथेसाइज नहीं होगा। अगर कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल्स नहीं होगा एटमोसफियर में, ठीक है, अभी हमने पढ़ा था रिक्वायरमेंट, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलती है बच्चों, एटमोसफियर से, यानी एयर से। तो जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल्स नहीं होता है बच्चों, वो प्लांट्स क्या होता है, डेड हो जाता है, मतलब मर जाता है, ठीक है। इसीलिए क्या होनी चाहिए कि वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड इनका कॉन्सेंट्रेशन, मतलब इनका जो कॉन्सेंट्रेशन होती है वो मिनिमम होना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो ये बात समझ में आ गया। और तीसरी बात है टेम्परेचर का बच्चों, ठीक है, तो प्लांट्स कैन नॉट फोटोसिंथेसाइज, इट्स गेट्स हॉट एंड कोल्ड। तो प्लांट फोटोसिंथेसाइज नहीं कर पाएगा, क्या बच्चों, या तो टू हॉट होगा एंड टू कोल्ड, राइट, या तो काफ़ी क्या होगा, कोल्ड होगा, मतलब काफ़ी ठंड या काफ़ी गर्म होती है, तो उस केसेस में क्या होता है, फोटोसिंथेसाइज नहीं होता है बच्चों। तो ये चीज़ तीनों बात याद रखना है, इंटेंसिटी अगर ज़्यादा होगा तो फोटोसिंथेसाइज ज़्यादा होगा बच्चों, अगर कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन अगर लेस होगा तो वो क्या होगा, वहाँ पे फोटोसिंथेसाइज नहीं होगा, या टेम्परेचर क्या होगा, टू हॉट होगा बच्चों, या टू हॉट होगा या टू कोल्ड होगा, तो उस केसेस में भी फोटोसिंथेसाइज नहीं होगा बच्चों, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आ गया बच्चों। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तो बच्चों, हम इनके कुछ फोटोसिंथेसाइज का हमने देखा कि इनके रिक्वायरमेंट क्या है, तो चार फोर क्वांटिटीज थे बच्चों इनके रिक्वायरमेंट का। पहला था कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर्स, उसके बाद था बच्चों क्लोरोफिल्स थे, और सनलाइट के प्रेजेंस में थे। तो अब हम इनके कुछ इम्पोर्टेंस की बातें करेंगे बच्चों, ठीक है, कि फोटोसिंथेसाइज की इम्पोर्टेंस क्या है हमारे लाइफ में, राइट बच्चों। तो हमारे लाइफ की अगर हम बातें करें, तो फोटोसिंथेसाइज जो होती है
काफी इंपॉर्टेंट्स होती हैं ऑल लिविंग्स थिंग्स के, लिविंग विंग्स के लिए बच्चों, ठीक है। इनके बिना अगर लाइफ हमारा क्या होता है, काफी अधूरा सा लगता है बच्चों, ठीक है। तो चलिए इनके पॉइंट को हम डिस्कस करते हैं। तो पहला पॉइंट देखते हैं बच्चों कि लाइफ ऑन द अर्थ इज बैलेंस बिटवीन ऑटोट्रॉफ एंड हेटरोट्रॉफ, राइट बच्चों। जो पहला इंपॉर्टेंस देखो काफी ये है बच्चों कि अगर किसी लिविंग थिंग्स की जो अर्थ पे अगर उनकी जीवन है तो वो किन के वजह से है बच्चों, वो ऑटोट्रॉफ एंड हेटरोट्रॉफ के बैलेंस के वजह से, ठीक है। ऑटोट्रॉफ हमने बताया था कि दोज प्लांट्स विच हैज़ मैक अ फूड सेल्फ, मतलब वो प्लांट्स अपना फूड खुद स्वयं प्रिपेयर करता है यानी सेल्फ प्रिपेयर करता है, उनको ऑटोट्रॉफ बोलते हैं। और हेटरोट्रॉफ क्या होता है बच्चों, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे वैसे इनके बाद। तो हेट्रो मतलब क्या होता है, डिफरेंट, मतलब वो प्लांट्स जो अपना फूड सेल्फ प्रिपेयर नहीं करता है, दूसरे पे डिपेंड होते हैं, उनको बोलते हैं। तो ये क्या होगा, इन दोनों के बैलेंस से हमारा लाइफ क्या होती है, अर्थ पे बैलेंस्ड हो पाता है बच्चों, ठीक है। चलिए दूसरा पॉइंट देखते हैं बच्चों। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है आपको कि इट कन्वर्ट, ठीक है बच्चों, इट कन्वर्ट लाइट, राइट बच्चों, लाइट एनर्जी इंटू केमिकल एनर्जी, मतलब जो लाइट एनर्जी है बच्चों उसको कन्वर्ट कर दे रहे हैं किसमें, केमिकल एनर्जी में, इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला अभी हमने बताया था बच्चों, अगर आपसे पूछते हैं तो C6 होंगे, H12 होंगे और O6 होंगे, तो ये याद रखना बच्चों, ठीक है। कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को क्या करते हैं, मिक्स करके हम क्या बनाते हैं बच्चों, ग्लूकोज बनाते हैं, राइट। एंड देन द प्रोसेस ऑफ द सेलुलर्स रिस्पायरेशन, रिस्पायरेशन मतलब क्या होता है, जब हम सांस लेते हैं या छोड़ते हैं, इट्स कन्वर्ट द ग्लूकोज टू एनर्जी। तो वो ग्लूकोज किसमें फॉर्म हो जाता है बच्चों, एनर्जी के फॉर्म में हो जाता है, ठीक है। आगे आप पढ़ेंगे बच्चों, हमारे आइंस्टाइन्स जो थे, एक साइंटिस्ट थे हमारे आइंस्टाइन, जो ई बराबर MC² का दिया था बच्चों, वो हम बहुत आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो वो ग्लूकोज को किस में फॉर्म कर देते हैं बच्चों, एनर्जी में फॉर्म कर देते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए अगला देखते हैं। अगला पॉइंट जो बच्चों कह रहा है कि द एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय फोटोसिंथेसाइजेस फ्रॉम द बेसिस ऑफ द वर्चुअल्स ऑल द टेरिस्ट्रियल्स एंड एक्वाटिक फूड ऑफ चेन। तो देखो बच्चों, जो फोटोसिंथेसाइज होती है वो टेरिस्ट्रियल्स या एक्वाटिक फूड चेन्स के बेसिस पे होता है, यानी वर्चुअली होती है, उस पर डिपेंड होता है। तो टेरिस्ट्रियल्स आप जानते ही बच्चों कि दोज प्लांट्स विच लिव ऑन अ लैंड, मतलब जो प्लांट्स लैंड पे होते हैं उनको हम लोग टेरिस्ट्रियल्स बोलते हैं, और जो लैंड पे नहीं होते हैं, वाटर में होते हैं, उनको एक्वाटिक बोलते हैं। तो ये दोनों एक दूसरे पे वर्चुअली डिपेंड होता है बच्चों, ठीक है। और इन प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फोटोसिंथेसाइज। तो फोटोसिंथेसाइज का आपने देखा टेरेस्ट्रियल्स के लिए भी कितनी इंपॉर्टेंट होती है, और एक्वाटिक के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट होती है बच्चों, ठीक है। तो बच्चों इनको साथ साथ आप नोट करते भी चलो, ठीक है। आपको जहां समझ में नहीं आ रहा है वीडियो को पॉज कर लो और उनको रिपीट करके देखो बच्चों, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं बच्चों। इट कन्वर्ट इन ऑर्गेनिक रॉ मटेरियल्स इन टू द फूड दैट द बेसिस ऑफ एनर्जी इज इन इको सिस्टम। तो यहाँ पे देखो बच्चों, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जो होती है, जैसे अभी हमने बताया बच्चों हाइड्रोजन्स होते हैं, नाइट्रोजन्स होते हैं, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, जैसे ये होते हैं बच्चों, फ्लोरीन हो गया, नाइट्रोजन हो गया बच्चों, कार्बन हो गया, ऑक्सीजन्स हो गए, ये सभी क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक मटीरियल्स है बच्चों, ठीक है। तो इनमें क्या है कि इनऑर्गेनिक रॉ मटीरियल इन टू फूड दैट वी बेसिस ऑफ एनर्जी आवर इको सिस्टम। इकोसिस्टम मतलब क्या होता है बच्चों, एक तरह का चेन होता है, क्या होता है बच्चों, यानी चेन ऑफ फूड कह सकते हैं, कि एक दूसरे पर डिपेंड होता है। जैसे बच्चों मान लो कि अगर हम प्लांट्स की बातें करें तो प्लांट्स पे क्या होता है, जैसे अभी हमने फूड चेन का बताया था बच्चों, प्लांट्स को कौन खाते हैं, जैसे डियर्स खाते हैं बच्चों, डियर्स को कौन खाते हैं बच्चों, टाइगर्स खाते हैं, टाइगर्स को कौन खाते हैं, तो इस तरीके से क्या होता है बच्चों, एक इकोसिस्टम होती है। इकोसिस्टम मतलब क्या हो गया कि सभी लाइफ एक दूसरे पे डिपेंड होता है, एक सर्कुलर होती है, ठीक है। तो उनको हम लोग बोलते हैं इकोसिस्टम, मतलब हर एक प्लांट्स या हर एक जो लिविंग बींग्स होती है वो एक दूसरे पे डिपेंड होती है, उसको हम लोग इकोसिस्टम बोलते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं बच्चों। अगला पॉइंट जो है बच्चों वो कह रहा है कि ग्रीन प्लांट्स प्रोवाइड ऑर्गेनिक फूड ऑल द एनिमल्स एंड ह्यूमंस।
तो ऑब्वियसली बच्चों ग्रीन प्लांट्स हमारे लिए काफी हेल्पफुल ही होती है। अगर ग्रीन प्लांट्स नहीं होगा बच्चों तो हमें फोटोसिंथेसाइज नहीं हो पाएगा प्लांट्स को, और प्लांट्स को फोटोसिंथेसाइज नहीं होगा तो वो ऑक्सीजन क्या करेंगे बच्चों, प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। और जब ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं होगा तो आप जानते ही ऑक्सीजन की वजह से हमें क्या प्रॉब्लम आ सकती है बच्चों, ठीक है। तो देखो ग्रीन प्लांट्स हमारे लिए काफी बेनिफिट होते हैं बच्चों, एनिमल्स के लिए भी और ह्यूमंस के लिए भी, ठीक है बच्चों। चलिए अब इनके देखते हैं जो प्लांट्स होते हैं बच्चों, प्लांट्स से हमें क्या क्या मिलते हैं। बहुत सारे ऐसे चीज़ें मिलती है प्लांट से बच्चों, ठीक है। जैसे पहला देखो कि हमें टैम्बर मिलते हैं, रबड़ मिलते हैं, हर्ब्स, मेडिसिन होते हैं, शाइड्स, ऑयल्स, ये सारे जो होते हैं वो कंपोनेंट्स ऑफ प्लांट्स के पार्ट होते हैं बच्चों, ठीक है। तो बच्चों एक चीज़ मेरी ये आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप बच्चों एक प्लांट्स तो अवश्य लगाओ, जिससे आप अपनी लाइफ के चीज़ें को, कुछ चीज़ें को सुरक्षित रख पाओगे बच्चों, ठीक है। तो एक प्लांट्स तो अवश्य लगाओ बच्चों आप, ठीक है। और एवरीडे आप प्लांट्स में क्या करो बच्चों, वाटर दो अर्ली मॉर्निंग, ओके बच्चों, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं बच्चों, इट हेल्प्स टू इम्प्रूविंग ऑक्सीजन इन एटमोसफियर रिक्वायर्ड बाय ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो देखो बच्चों ये क्या होता है, प्लांट्स हमें क्या मिलती है, ऑक्सीजन मिलती है जो हमारे एटमोसफियर में अवेलेबल्स होते हैं बच्चों। आप देखते होंगे कि आजकल कह रहे हैं कि हमें कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एटमोसफियर में ज़्यादा है, मतलब ऑक्सीजन की क्या हो रही, कमी हो रही, क्यों, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं बच्चों, प्लांट्स तो लगा नहीं रहे हैं। प्लांट्स तो आज हम लोग लगाते नहीं हैं, बस उनको हम लोग क्या करते हैं, कटिंग करते हैं, और कटिंग करने के बाद कई सारे चीज़ें हम उनसे बना लेते हैं। तो प्लांट्स धीरे धीरे क्या हो रहा है, ख़त्म होते जा रहे हैं। जब प्लांट्स अगर क्या होगा बच्चा, अगर ख़त्म होते चले जाएंगे तो वो फोटोसिंथेसाइज नहीं होगा, और फोटोसिंथेसाइज नहीं होगा तो ऑक्सीजन क्या होगा, प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा। और जब ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं होगा तो हमें तो कार्बन डाइऑक्साइड ही मिलेगा ना बच्चों। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ आपको कि आप अपने प्लांट्स, एक तो प्लांट्स ऑलरेडी लगाओ, घर में जितने मेंबर होते हैं एटलीस्ट उतने प्लांट्स तो होने चाहिए बच्चों, ठीक है बच्चों। चलिए लास्ट पॉइंट जो हम इनके डिस्कस करेंगे, इट डिक्रीज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन और CO2। अगर जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड अगर कम होता है तो आप देखेंगे वहाँ पे काफ़ी अच्छा फीलिंग होती है बच्चों, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंस होता है और इजी से वहाँ पे आप ब्रीथिंग कर पाते हैं। अगर कि कार्बन डाइऑक्साइड जहाँ पे बहुत कम होगा या ज़्यादा होगा बच्चों, तो हार्मफुल एंड इंडस्ट्रियल वेस्टेस, तो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ होता है, जहाँ पे इंडस्ट्रीज ज़्यादा होगा बच्चों, तो आप देखेंगे वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा होता है, कॉन्सेंट्रेशन इनकी क्या होती है, ज़्यादा होती है बच्चों, ठीक है। तो ऐसे बहुत इंपॉर्टेंस है बच्चों, तो ये आपके स्टैंडर्ड के लिए इतने थी, तो आप इनको अच्छे से नोट कर लो बच्चों, और साथ साथ इनको लर्न करते ही चलो बच्चों, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग, ओके बच्चों। तो नेक्स्ट है एलिगे, ठीक है। एलिग्स क्या होता है बच्चों कि एलिग्स आर द कॉमन ऑर्गेनिज्म दैट प्रोड्यूस देयर ऑन फूड। मतलब एलिगे जो होती है बच्चों, ये क्या होता है, एक ग्रीन प्लांट्स के तरह ही होता है। ये कैसा होता है बच्चों, ग्रीन, राइट बच्चों, ये क्या होता है, ग्रीन प्लांट की तरह ही होता है, ठीक है बच्चों। ये क्या होता है, ग्रीन प्लांट्स की तरह ही होता है, अपना फूड क्या होता है, प्रोड्यूस करता है, मतलब सेल्फ तैयार कर लेते हैं ऑन फूड, राइट। मतलब इनको आप क्या कह सकते हैं, ये ग्रीन प्लांट के ही होती है, एलिगे आर द कॉमन ऑर्गेनिज्म होती है, राइट बच्चों, जो अपना फूड सेल्फ प्रिपेयर्ड करता है, ठीक है। मतलब ग्रीन कलर्स के ही होते हैं, राइट। द ग्रीन कलर्स ऑफ द एलिगे इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। और जो ग्रीन होती है बच्चों, इनके जो शेप्स की अगर हम बातें करें बच्चों, ठीक है, तो आजकल जो चल रहे हैं ट्रेंड्स वो कोरोना, ठीक है, इनके जैसे ही होते हैं। तो कोरोना तो रेड कलर में दिखाया जाता है RBC में, बट ये ग्रीन कलर्स के होते हैं बच्चों, ठीक है। तो ग्रीन कलर्स के होते हैं और इनमें जो क्या होता है, प्रेजेंस होते हैं क्लोरोफिल होते हैं बच्चों, ठीक है। अगर क्लोरोफिल होगा बच्चों तो ऑब्वियसली क्या होगा, वो अपना फूड प्रिपेयर्ड करेगा, क्योंकि अभी प्लांट्स में आपने देखा था जो प्लांट्स के जो लीव्स होते हैं, ठीक है, प्लांट्स के जो लीव्स होते हैं, पत्ते होते थे, उसमें क्या होता है, क्लोरोफिल होते थी, और क्लोरोफिल के अकॉर्डिंग वो फोटोसिंथेसाइज करके अपना फूड प्रिपेयर करते थे। तो ये एलिगा भी उसके अंदर में क्या होता है, ग्रीन कलर्स होते हैं और उसमें क्या होता है, क्लोरोफिल होती है, तो क्लोरोफिल के अकॉर्डिंग अपना फूड प्रिपेयर करता है, ठीक है। चलिए, तो दे कैन प्रोड्यूस देयर ऑन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसाइज, राइट। तो क्लोरोफिल होगा तो वो फोटोसिंथेसाइज करके एलिगा क्या करता है, अपना एलिगे जो अपना फूड क्या करते हैं बच्चों,
प्रिपेयर कर लेते। ठीक है, तो ये कुछ कॉमन एग्जांपल्स थे। तेलिगा को भी आप क्या कह सकते हैं, प्रोड्यूसर कह सकते हैं। ठीक है, क्यों कहेंगे बच्चों? ठीक है, क्यों कहेंगे? क्योंकि ये अपना फूड सेल्फ प्रिपेयर्ड करता है। ठीक है, चलिए तो आगे देखते हैं बच्चों, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रंस, राइट। तो नेक्स्ट थिंग्स इज दैट हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रंस। ठीक है बच्चों, तो हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रंस को हम लोग देखेंगे बच्चों। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रंस को हम लोग क्या कह सकते हैं, नॉन ग्रीन प्लांट्स भी कहेंगे बच्चों। क्या कहेंगे? नॉन ग्रीन प्लांट्स। और ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रंस को क्या बोलते थे बच्चों? वो ग्रीन प्लांट्स होते थे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कह रहा है कि नॉन ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड हेटरोट्रॉप। हेट्रो हेट्रो मतलब क्या होता है बच्चों? हेट्रो हेट्रो मतलब डिफरेंट होता है। क्या होता है बच्चों? डिफरेंट, या फिर आप इनको अदर भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? अदर भी कह सकते हैं। ठीक है, और ट्रॉपिक मतलब तो आपको पता है बच्चों, अभी हमने बताया था क्या होता है, न्यूरिशमेंट, राइट। इसका मतलब क्या होता है? न्यूट्रिशन होती है। ठीक है बच्चों, बिकॉज दे कैन नॉट प्रिपेयर देयर ऑन फूड, दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, राइट। तो कह रहा है इसमें कि ग्रीन नॉन ग्रीन प्लांट जो होते हैं बच्चों, वो हेटरोट्रॉप कहलाता है, और दे कैन नॉट प्रिपेयर ऑन फूड मेड ऑफ न्यूट्रिशन, दिस प्रोसेस इज नॉन एज हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो हम इन प्रोसेस को क्या बोलते हैं? हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। मतलब वो नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं जो अपना भोजन सेल्फ प्रिपेयर नहीं करता है, वो दूसरे पे डिपेंड होता है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये आपको समझ में आ गया। और हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो होती है बच्चों, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंज्यूमर्स भी बोलते हैं। ठीक है, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को आप क्या कह सकते हैं बच्चों? कंज्यूमर भी कह सकते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? कंज्यूमर्स कहते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चों ये क्या होता है कि ये दूसरे पर डिपेंड होते हैं, ये कंज्यूम्स होती है। ठीक है, ये क्या होता है बच्चों? दूसरे पर डिपेंड होता है, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं? कंज्यूमर्स भी कह सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए इनके कुछ और बातें हैं। हेटरोट्रॉपिक जो होते हैं बच्चों, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिएंट्स को जो है थ्री पार्ट्स में क्लासिफिकेशन किया गया है बच्चों। ठीक है, तो हम उनको देख लेते हैं, यानी नॉन ग्रीन प्लांट जो होती हैं उनको तीन पार्ट में डिस्क्राइब किया गया है बच्चों। ठीक है, एक है पैरासाइटिक बच्चों, दूसरा है सेप्रोट्रॉपिक है, और तीसरा है सिम्बायोटिक, राइट बच्चों। तो इनको वन बाय वन करके हम डिस्कस करेंगे। यानी हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिएंट्स, या आप ये कह सकते हैं कि नॉन ग्रीन प्लांट्स कैन बी थ्री टाइप्स, राइट। पहला क्या है बच्चों? पैरासाइटिक है, दूसरा है सेप्रोट्रॉपिक, और तीसरा है सिम्बायोटिक बच्चों, राइट। तो वन बाय वन करके हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए डिस्कस करते हैं। बच्चों जो हेटरोट्रॉपिक का जो पहला पार्ट है बच्चों, वो पैरासाइटिक है, तो हम इनको डिस्कस कर लेते हैं कि पैरासाइटिक्स क्या होते हैं बच्चों, राइट। तो पैरासाइटिक क्या होता है बच्चों? द प्लांट्स विच ड्राइव फ्रॉम फूड अदर प्लांट्स एंड ड्राइव फ्रॉम देन इज न्यूट्रिशन इज कॉल्ड पैरासाइटिक। मतलब पैरासाइटिक्स वो न्यूट्रिशन होती है बच्चों, तो दूसरे अपना फूड प्रिपेयर, अपना फूड सेल्फ प्रिपेयर्ड नहीं करता है, वो दूसरे पे डिपेंड होता है बच्चों। ठीक है, तो वो उनको उनको हम लोग क्या बोलते हैं? पैरासाइटिक बोलते हैं। मतलब ठीक है, तो पैरासाइटिक न्यूट्रिशन समझ में आया बच्चों? मतलब वो प्लांट्स होती हैं जो अपना फूड प्रिपेयर्ड नहीं करते, वो दूसरे पर डिपेंड होते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? पैरासाइटिक बोलते हैं। चलिए इनको डिटेल डिस्कस कर लेते हैं। तो पैरासाइटिक जो होती है वो टू टाइप में डिस्कस किया गया है बच्चों, है ना, दो पार्ट में इनको डिफाइन किया गया। पहला जो बच्चों है वह टोटल पैरासाइटिक, और दूसरा जो है बच्चों वो उनको बोलते हैं हम लोग पार्शियल पैरासाइटिक। तो इनको डिस्कस करते हैं। तो देखो बच्चों, इनमें क्या है अंतर, डिफरेंस क्या है, आप इनके डिफरेंस भी समझ सकते हैं। ठीक है, तो देखो टोटल पैरासाइटिक क्या होता है, ठीक है, तो प्लांट्स कैन नॉट मेक देयर ऑन फूड। मतलब टोटल पैरासाइटिक जो होती है वो अपना फूड प्रिपेयर नहीं करता, ठीक है, बिकॉज क्यों नहीं करता? क्योंकि ये नॉन ग्रीन प्लांट्स है बच्चों। पैरासाइटिक जो है वो क्या है? दे हैव नॉन ग्रीन प्लांट्स, यू कैन से नॉन ग्रीन प्लांट्स होगा जब तक तो वो खाना प्रिपेयर नहीं करेगा, ठीक है। बट पार्सल पैरासाइटिक जो होता है कैन मेक ऑन फूड, मतलब आप कह सकते हैं दे हैव ग्रीन प्लांट्स, राइट। ये क्या है? ग्रीन प्लांट्स होगा। क्यों? क्योंकि अपना फूड सेल्फ प्रिपेयर्ड कर रहा है। तो पहला पॉइंट समझ में आ गया बच्चों। दूसरा पॉइंट देखिए क्या कह रहा है बच्चों, कि होस्ट प्लांट ऑन विच दे आर टोटल डिपेंडेंट थ्रू आउट देयर लाइफ।
मतलब इनके जो होस्ट होती है, ठीक है, विच दे आर टोटली डिपेंडेंट थ्रू आउट ऑफ देयर लाइफ, वो किसी दूसरे पे उनके लाइफ डिपेंड होता है, वो खुद पे डिपेंड नहीं होता है, वो टोटली 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 क्या होता है बच्चों, वो दूसरे पे डिपेंड होता है, टोटली वो क्या है, दूसरे पे डिपेंड होता है। तो एक चीज ये थी। तो इनमें क्या है बच्चों, दे गेट H2O मतलब वाटर्स, मिनरल्स एंड नीड्स फॉर द मेकिंग फूड फ्रॉम देयर होस्ट एंड प्लांट्स, मतलब इनके जो होस्ट प्लांट्स होती है वो अपना फूड जो कि नीड जो होती है वो खुद बना लेते हैं बच्चों, ठीक है, वाटर से, मिनरल से एंड प्रेजेंस ऑफ सनलाइट्स की वजह से ये भी ले लेते हैं। उनके होस्ट क्या करते हैं, वो फूड सेल्फ प्रिपेयर्ड कर लेते हैं बच्चों, ठीक है। तो एग्जांपल की अगर हम बातें करें इनका पैरासाइटिक का, तो आप देखिए बच्चों क्या है, इनको केक्स्ट्रा, इनको हम लोग बोलते हैं एम्ब्रेसिल भी बोलते हैं बच्चों, इसका दूसरा नाम क्या है बच्चों, AMRE, ठीक है, एम्ब्रबेल, राइट बच्चों, AMAREBEL, ठीक है बच्चों, क्या बोलते हैं, एम्ब्रबेल्स, ठीक है। ये बोलते हैं जो टोटल सिस्टम ऑफ पैरासाइटिक होते हैं बच्चों, क्या होता है, स्टीम पैरासाइटिक होते हैं एंड प्लांट्स और राफिसिया जो होती है बच्चों, ये टोटल रूट ऑफ पैरासाइटिक प्लांट्स होती है। तो अगर आपसे पूछ देता है कि रोफिला कौन सा है, तो रूट पैरासाइटिक प्लांट्स होगा बच्चों। अगर आपसे पूछा जाता है कि एम्ब्रबेल कौन से प्लांट्स होता है, तो स्टीम पैरासाइटिक प्लांट्स कहेंगे बच्चों, ठीक है, क्या, AMARE, ठीक है बच्चों, RRRBE, एम्ब्रबेल जो होते हैं, अमरबेल क्या बोलते हैं इसको, अमरबेल जो होती है बच्चों वो स्टीम पैरासाइटिक प्लांट्स होती है, और राफेशिया जो होती है बच्चों ये रूट पैरासाइटिक प्लांट्स होती है। तो इसको याद रखना बच्चों, ठीक है। अगर हम पार्सल की बातें करें, ठीक है बच्चों, तो मिस टिल टोल्स जो होती है वो पैरासाइटिक स्टीम होते हैं बच्चों, और सैंड वुडेन जो होती है बच्चों वो होता है पार्सल रूट प्लांट्स होते हैं बच्चों, ठीक है। तो इन दोनों को आप अंतर भी समझ में आ गए बच्चों, ठीक है, और इन दोनों के डिस्कस भी समझ में आ गया होगा बच्चों, आप इनको अच्छे साथ साथ नोट करते भी चलो बच्चों, ठीक है बच्चों। पहले आप वीडियोज़ को कंप्लीट देखो बच्चों, फिर इनको नोट्स कर लो, फिर अपने नोटबुक में नोट करके फिर इन्हें अच्छे से लर्न कर लो बच्चों, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं बच्चों। तो देखो बच्चों, अगला जो है हमारा तीसरी जो है बच्चों वो क्या, सेकेंड जो है, पहला हमने देखा पैरासाइटिक बच्चों, और समझ में भी आ गया, पैरासाइटिक दो टाइप्स के थे, पहला क्या था बच्चों टोटल पैरासाइटिक, दूसरा क्या था पार्सल पैरासाइटिक, राइट बच्चों। तो अभी हमें देखना है कि सेप्रोट्रॉफिक, तो सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है बच्चों, इनको डिस्कस करते हैं। द प्लांट्स विच ऑब्टेन्स देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम डिके ऑर्गेनिज्म मैटर, मतलब वो प्लांट्स होगा जो डेड मटेरियल से अपना फूड प्रिपेयर्ड करता है, उनको क्या बोलते हैं बच्चों, सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं, ठीक है बच्चों। डिकेइंग और डिकिंग ऑर्गेनिक मटेरियल से जो अपना फूड प्रिपेयर्ड करता है उनको क्या बोलते हैं बच्चों, सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस, या अगर हम इजी लैंग्वेज में समझे तो मतलब कह सकते हैं कि वो प्लांट्स होते हैं बच्चों जो अपना फूड किसी डेड मटेरियल से प्रिपेयर्ड करता है, ठीक है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। जैसे बच्चों अगर एग्जाम्पल की बातें करें, तो जैसे देखो फंगी बच्चों, येस्ट, मार्ड्स, मशरूम्स, है ना, इज मेनी बैक्टीरिया, ये सभी बैक्टीरियाज क्या होते हैं बच्चों, कि जो प्लांट्स या एनिमल्स क्या होते हैं बच्चों, डेड हो जाती है, ठीक है, या सरगल जाते हैं, तो उनसे ये अपना फूड प्रिपेयर्ड करते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं, राइट बच्चों। तो देखिए इनको कुछ एक दो पॉइंट्स है बच्चों। तो सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन आर रिलीज द डाइजेसिव एज अ जूस ऑन द डेड मैटर्स एंड कन्वर्ट इन टू द लिक्विड, फिर उनको लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया जाता है, ठीक है। दे एब्जॉर्ब न्यूट्रिशन एंड कोल्ड इज क्लीनर ऑफ द एनवायरनमेंट, इससे क्या होता है, कह रहे हैं कि दे एब्जॉर्ब न्यूट्रिशन, ये न्यूट्रिशन को क्या करते हैं बच्चों, एब्जॉर्ब कर लेते हैं एंड एंड कॉल्ड क्लीनर, क्लीनर द एनवायरनमेंट, और एनवायरनमेंट को वो सफाई भी कर लेते हैं, क्योंकि जितने भी डैड मटेरियल्स होंगे बच्चों उनको उन्होंने क्या करते हैं, अपना फूड बना करके उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो वहाँ के जो इन्वायरमेंट होगा बच्चों वो क्या हो जाएगा, क्लीन हो जाएगा, क्लीनर हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो अगला तीसरा देखते हैं हेटरोट्रॉपिक के जो है बच्चों, सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। तो सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन को हम समझ लेते हैं,
कि सिम्बायोटिक न्यूट्रिशंस क्या होता है बच्चों, ठीक है। तो देखो सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन जो होता है बच्चों, अ रिलेशन इन विच टू ऑर्गेनिज म्यूचुअल बेनिफिट ईच अदर्स इज नोन एज सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। तो सिम्बायोटिक रिलेशंस क्या होता है बच्चों, कि इसमें दो न्यूट्रिशन होती है, यानी दो प्लांट्स होते हैं तो एक दूसरे पर डिपेंडेंट होती है, ठीक है। दोनों के जो बेनिफिट होती है उनको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन बोलते हैं, राइट। तो डेफिनेशन पूछा जाए तो डेफिनेशन आप ये लिख सकते, एग्जाम्पल के लीचेंस। तो देखो एलिगा और फंगी इन दोनों से इंटर रिलेटेड है, दोनों को बेनिफिट होते हैं लीचेंस से, राइट। तो एलिगा और फंगी और लिंग्यूमिन्स की अगर बातें करें तो देखो बच्चों, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज होती है और एक राइजोबियम बैक्टीरियाज होती है, राइट। इन दोनों के क्या होते हैं, बेनिफिट होते हैं इनके प्रेजेंस में। तो दोनों का कह रहे हैं रिलेशन बिटवीन विच टू ऑर्गेनिज मच्युअली बेनिफिट फ्रॉम ईच अदर, दोनों के एक दूसरे जैसे बेनिफिट होती है तो उन बेनिफिट को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों, सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। ओके बच्चों, तो ये आपको समझ में आ गया। अब देखते हैं तीसरा जो था, हमने जो माइंड मैप में देखा था बच्चों की न्यूट्रिशन प्लांट्स को थ्री कैटेगरी में बांटा गया था, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिस। तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिस में हमने पढ़ लिया बच्चों, ठीक है। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है, फोटोसिंथेसिस क्या होता है, उनकी कंडीशंस क्या होते हैं बच्चों। और दूसरा में हमने पढ़ा हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिस में पैरासाइटिक पढ़ लिया बच्चों, सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन पढ़ लिया और सिम्बायोटिक पढ़ लिया, ठीक है। तो लास्ट क्या था बच्चों हमारा माइंड मैप में, इन डिपेंडेंट्स थे बच्चों, ठीक है। उनमें जो पहला था वो इंसेक्टिक बोरस था, ठीक है बच्चों। तो चलिए उनको हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो बच्चों क्या है इंसेक्टिव बोरस प्लांट्स क्या होते हैं, तो इंसेक्टिव बोरस प्लांट्स क्या होते हैं बच्चों, कि एन ऑर्गेनिज्म दैट फीड इंसेक्ट टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ नाइट्रोजन, उनको बोलते हैं हम लोग इंसेक्टिव बोरस। नाम से ही लग रहा है बच्चों, इंसेक्ट, ठीक है। जो जो ऑर्गेनिम्स क्या होते हैं अपना फूड इंसेक्ट से प्रिपेयर करते हैं उनको हम लोग क्या बोलेंगे, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, राइट। तो देखो बच्चों कि प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ इन नेचर ऑफ ग्रो, मतलब प्लांट जो होता है वो ऑटोट्रॉप होते हैं, यानी इंसेक्टिवोरस भी होती है वो ऑटोट्रॉप होता है, क्यों, क्योंकि वो अपना फूड प्रिपेयर कर लेंगे, ठीक है। सो देयर ओवर टू 450 स्पाइसेस ऑफ द इंसेक्टिवोरस, लगभग जो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं इनकी स्पाइसेस जो है वो 450 है, लाइक्स नेफ्रिना होता है, सैरसिना होता है, कई होते हैं बच्चों इनके, ठीक है। तो मतलब 450 स्पाइसेस होती है किनके, इंसेक्टिवोरस के, ठीक है बच्चों। तो ये आपको समझ में आ गया बच्चों, ठीक है। तो लास्ट पॉइंट हम देखते हैं बच्चों इससे आप, ओके बच्चों। तो देखो रिप्लेसमेंट्स ऑफ द न्यूट्रिशन इन दी सोइल्स, राइट बच्चों, ये एनसीईआरटी के लास्ट पॉइंट है, तो आप इनको अच्छे से देखो बच्चों क्या होता है ये, इनको हमें समझना है। द न्यूट्रिशन आर द एसेंशियल्स केमिकल्स आर कंटिन्यूस इन द सर्कुलर मूवमेंट ऑफ द न्यूट्रिशन साइकिल्स, राइट बच्चों। तो हम अगर किसी सोयल की प्रिपरेशन करते हैं बच्चों, ठीक है, तो अगर आप सोयल की प्रिपरेशन करेंगे तो उसमें क्या होगा बच्चों, टाइम से हमें न्यूट्रिशन देना होता है, ठीक है। जैसे अगर आप मान लो कि बच्चों आपने क्या किया, सबसे पहले अगर आपने वीट फर्टिलाइजर कर लिए बच्चों, अगर वीट फर्टिलाइजर करने के बाद, यानी वीट को आपने हार्वेस्टिंग कर लिया, और हार्वेस्टिंग करने के बाद जो उसमें जो अनवांटेड चीज़ें होती है आप उनको क्या करते हैं बच्चों, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। डिस्ट्रॉय करने के बाद फिर उस लैंड को क्या भरते हैं बच्चों, आप फर्टिलाइजर करते हैं, राइट। फर्टिलाइजर करने के बाद उसमें जो यूरिया या भी जो न्यूट्रिशंस की कमी होती है वो आप न्यूट्रिशंस डालते हैं, ठीक है। यानी कंटिन्यूस उनको फिर से रिसाइकलिंग करते हैं, मतलब साइकिलिंग करने के बाद फिर से अनदर प्लांट्स को उसमें आप क्या करते हैं, प्लांटिंग करते हैं। जैसे अगर उसमें उसकी रिक्वायरमेंट होती है नाइट्रोजन की, पोटेशियम की, कैल्शियम की, फास्फोरस की, ऐसे कई सारे हमारे पास क्या है न्यूट्रिशंस होती है जो हमें क्या करते हैं, सोइल्स को प्रिपेयर करते हैं, राइट, ठीक है बच्चों। तो सेकेंड पॉइंट देखो कि प्लांट्स एब्जॉर्ब मिनरल्स न्यूट्रिशंस फ्रॉम द सोइल्स, जो प्लांट्स होती है ना बच्चों वो अपने सोयल से मिनरल को क्या करते हैं बच्चों, एब्जॉर्ब्स कर लेते हैं, राइट। तो इनके कुछ मेथड्स की बातें कर लेते हैं बच्चों, जो वेरियस मेथड फॉर न्यूट्रिशंस इन सोयल्स। तो उनके सोयल्स जो होती है उनके न्यूट्रिशन किस तरीके से अलग अलग मेथड से हम उनको प्रिपेयर कर पाते हैं, मैंने सोयल को प्रिपेयर करेंगे, तैयार कर पाएंगे किसी भी फर्टिलाइजर्स के लिए, किसी भी फल को
प्लग करने के लिए, ठीक है, या हम किसी भी फसल्स को या किसी भी क्रॉप्स को हम बनाते हैं तो उनके लिए क्या करते हैं, पहले बच्चों सोयल को प्रिपेयर करते हैं, फिर हम उनमें क्रॉप लगाते हैं, ठीक है। तो चलिए इनकी मेथड्स की बातें करते हैं। जैसे पहला है यूज ऑफ नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर लाइक यूरिया, ठीक है, अमोनिया नाइट्रेट बच्चों, ठीक है, अमोनिया सल्फेट है। तो ये सभी क्या है बच्चों, हमारे क्या है, सोयल प्रिपरेशन करने के लिए है, ठीक है। चलिए अगला बातें देखते हैं, क्रॉप रोटेशन मेथड। तो क्रॉप रोटेशन मेथड जो होता है ना बच्चों, द रूट्स ऑफ द लिग्यूमेंस प्लांट्स कंटेन टू द राइबोसोम एंड बैक्टीरिया विच कैन फिक्स एटमोस्फियर नाइट्रोजन इन टू द सॉल्युबल फ्रॉम द सोइल्स, ठीक है बच्चों। तो क्या होता है, सबसे मेन अगर बातें करें कि सोइल जो होती है ना बच्चों, आपने पढ़ा होगा कि जो अर्थ वर्म्स होती है बच्चों, अर्थ वर्म्स होती है, ठीक है, वो क्या होता है, हमारे जो अर्थ होते हैं या हमारे सोइल जो होते हैं बच्चों, उनको खुद क्या करते हैं बच्चों, फर्टिलाइजर्स बना देते हैं, ठीक है। जिससे क्या होता है कि हमारे प्लांट्स की जो सोइल्स जो होती है वो काफ़ी हल्कीदार होती है बच्चों, ठीक है। जिससे क्या होता है, जो हमारे क्रॉप्स होते हैं उनके जो सीड्स होती हैं वो इजी से प्रोटेक्ट कर लेते हैं, और उनके जो क्या होता है स्टीम होती है वो काफ़ी स्ट्रांग हो जाता है बच्चों, ठीक है। तो इन चीज़ों को भी आपको देखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो है पॉइंट बच्चों, वो क्या है, अलाउ द लैंड टू द रेस्ट ऑर्डर ऑफ रीग्रो बैक द ब्रूस, राइट। तो जैसे हम प्लांट्स को अगेन अगेन क्या करते हैं, उसमें हम ग्रो करते हैं, लगाते हैं बच्चों, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट जो है बच्चों, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज विच अकर्स ड्यूरिंग द लाइटिंग लाइटिंग प्रोसेस ऑल्सो रिप्लेसमेंट्स ऑफ नाइट्रोजन इन सोइल्स। तो आजकल कुछ टेक्नोलॉजी भी आ गए हैं बच्चों, जिनके वजह से हम क्या करते हैं, अपने सोइल्स को क्या करते हैं बच्चों, काफ़ी जल्दी क्विकली हम प्रिपेयर कर लेते हैं, ठीक है, रिप्लेसमेंट ऑफ द नाइट्रोजन, नाइट्रोजन को रिमूव कर लेते हैं बच्चों, ठीक है बच्चों, ओके। तो ये कुछ इनके पॉइंट्स थे बच्चों, सोइल्स किस तरीके से हम प्रिपरेशन करते हैं किसी भी क्रॉप्स को लगाने के लिए, ठीक है बच्चों। अगर बच्चों ये वीडियोज़ आपको पसंद आया बच्चों, तो वीडियो को लाइक करो, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ठीक है बच्चों।